मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं ओरियो केक। इसके लिए हमने 20 बिस्किट लिए हैं। उसके अंदर से हमने इसकी सारी अंदर से चॉकलेट क्रीम निकाल ली सारे बिस्किट में से। इसके लिए हमने पहले से एक फ्री हीट पे ओवन में रख दिया गया है गर्म करने के लिए। अब हम सारे बिस्किटों को एक ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके पाउडर के लिए अंदर हम शुगर 2 चम्मच जो कि हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए है वो मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे हम और इसको फिर हम दूध की मदद से अच्छी तरह से इसका बैटर बना लेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप दूध लगा है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके सांचे में हमने पहले से घी लगाकर अच्छी तरह कोट करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर बैटर पेपर नीचे लगाकर उसके अंदर ये सारा डाल के अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा इसके अंदर डाल लेंगे और एक साथ करने के लिए ताकि इसके अंदर कोई हवा या जगह ना बाकी रहे इसको हम अच्छी तरह 1 से 2 मरतबा ज़मीन पर थपकेंगे ताकि जो खाली जगह है वहाँ पर भी ये बैटर चला जाए। इसके बाद हम उस बर्तन को जो हमने गर्म किया था उसके अंदर रखकर तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने इसे ढक के पकाने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है। इसकी अब ये जो हमने बिस्किट के अंदर से क्रीम निकाली थी उसको निकाल कर जब केक तैयार हो गया अब इसको ऊपर रख कर हम इसकी कोटिंग कर देंगे। ये केक तैयार है। इसकी कोटिंग करने के बाद आप इसको बिस्किट से भी डेकोरेट कर सकती हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है केक। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब